अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट उपमा बनाने की रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही जल्द बन जाता है। तो चलिए, उपमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 मीडियम कटी हुई प्याज, स्वाद अनुसार नमक, दालचीनी पाउडर आप हो तो ऐड करें, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो पेस्ट भी ऐड कर लें। सोजी यानी सिमोलिना, इसको हमने हल्का सा रोस्ट किया हुआ है। 1/2 टीस्पून जीरा, 7 से 8 करी लीव्स, 1 टेबलस्पून चने की दाल, ड्राई रेड चिल्ली और मस्टर्ड सीड्स 1/2 टेबलस्पून। 1 टमाटर को हम बारीक कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऐड कर देंगे ड्राई रेड चिल्ली को। इसके बाद हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड सीड्स, चने की दाल, करी लीव्स और जीरा को। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें आप मूंगफली और कोकोनट को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई ऑनियन को। ऑनियन का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्ली, दालचीनी पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। इन सबको अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे। ऐड कर देंगे नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी ऐड कर देंगे। टमाटर को हल्का सा गलने तक पकाएंगे। अब हम लास्ट में ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोजी यानी सिमोलिना को। मिक्स करते हुए ऐड करते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे, इसलिए मिक्स करते हुए ऐड करते जाएंगे। सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी। घी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके गैस को ऑफ कर देंगे। उपमा हमारा बनकर तैयार है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा उपमा बनकर तैयार है। मैं आपको उपमा थोड़ा सा टेस्ट कर बताती हूँ। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप इस उपमे को ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना हुआ है। आप भी इस उपमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को बना के खिलाएं। बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको हमारी यह इंस्टेंट उपमे वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like, share, subscribe. Thank you.